नमस्कार दर्शकों, मैं हूं रमेन भारद्वाज। स्वागत है आपका इंडस डिस्पैच पर। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल जो कि ले से 25 किलोमीटर दूर तारू गांव में है, वो खुल गया है और उस स्कूल में 21 बच्चों ने एडमिशन लिया है। 2019 में स्कूल को बंद कर दिया गया था लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के कारण, और बहुत से बच्चे जो थे उनको उनके पेरेंट्स ने निकलवा लिया था और वो ले शिफ्ट हो गए थे। बच्चों के ले शिफ्ट होने के कारण उस स्कूल में 5 बच्चे रह गए थे और वहाँ के जो भी टीचर्स या स्टाफ मेंबर्स थे उनकी ट्रांसफ़र अलग गवर्नमेंट स्कूल्स में कर दी गई थी। और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट इस साल आया है जब लोकल यूथ ने यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के साथ मिलकर इस स्कूल को दोबारा खोला और उसको रेनोवेट किया। यूनिवर्सिटी ने अपनी गाड़ी दी है स्कूल को, साथ ही 2 अपने स्टाफ मेंबर्स दिए हैं जो कि किंडरगार्टन के बच्चों की हेल्प कर सकें। गवर्नमेंट ने भी बहुत इनिशिएटिव लिया है और स्मार्ट क्लासरूम्स प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है, और जल्द ही बहुत से स्कूल जो लद्दाख में हैं उनमें ये स्मार्ट क्लासरूम्स देखे जाएंगे। अगर रिसेंटली बात करें तो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल तारू में 11 बच्चे नर्सरी क्लास में हैं, 1 बच्चा LKG में है, 3 बच्चे UKG में है, और 1-1 बच्चा जो है वो 2री, 3री और 4थी क्लास में है, और साथ ही 2 बच्चे 6th में हैं। लद्दाख के डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन सफदर अली का कहना है कि जल्द ही नए टीचर्स की इनरोलमेंट की जाएगी और उन टीचर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी जिन्होंने सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो पास किया होगा। उन्होंने ये भी कहा कि गवर्नमेंट स्पेशल इनिशिएटिव्स लेगी और जल्द ही टीचर्स की ट्रांसफ़र्स जो हैं वो की जाएंगी और स्कूल्स में मिड डे मील और सैनिटरी फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी।